Hello everyone, welcome to PYQs. So this is IAS 2020 question of one of my favorite topics, quadrature formula. So एक question IAS 2018 में आया हुआ था quadrature formula पे, और एक बार फिर से 2020 में एक question दिखता है. So what is basic understanding? If you have basic understanding of quadrature formula, फिर आप ये सवाल कर सकते थे. तो सवाल क्या है, दिस इज 20 मार्कर क्वेश्चन, वेरी इजी वन. फाइंड अ क्वाड्रेचर फॉर्मूला गिवन बाय दिस व्हिच इज एग्जैक्ट फॉर पॉलीनोमियल ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री, देन यूज द फॉर्मूला टू इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो क्वाड्रेचर फॉर्मूला का आपको सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज डिग्री लेस देन, कोई भी एक्सप्रेशन डिग्री लेस देन एन के लिए एग्जैक्ट है, तो वहां पे हमें एन प्लस वन क्वाड्रेचर पॉइंट्स गिवन होंगे. ओके, सो यहाँ पे एन प्लस वन क्वाड्रेचर पॉइंट्स गिवन होंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 क्वाड्रेचर पॉइंट्स दिए हुए हैं, 0, 1/2 एंड 1. तो इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स, वो एग्जैक्ट है अप टू डिग्री 2, क्योंकि एन प्लस वन जो है वो 3 है, तो एन की वैल्यू 2 हो गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 क्वाड्रेचर पॉइंट्स हैं, 0, 1/2 एंड 1. यहाँ पे आप एफ 0, एफ 1/2 और एफ 1, ये तीनों चीजें दी हुई हैं. तो अब आप इसको एग्जैक्ट बनाओ, इसको हमें एग्जैक्ट बनाना है अप टू हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री, और यहाँ पे हमें पता चल गया कि हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री 2 है. तो एक बार हम एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स पावर 0, दैट इज 1. फिर एक बार हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स पावर 1, और एक बार एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे हम एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अब आइए हम देख लेते हैं. पहले जब एफ एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, देन वी विल पुट एफ एक्स इक्वल्स टू 1, आई विल गेट 0, 1 dx, जो हो गया रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू अल्फा, और ये इंटू एफ 0 1 प्लस बी अल्फा 2, सॉरी दिस इज अल्फा 2 एंड दिस इज अल्फा 3. तो यहां पे आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस कैन बी डन बाय बीटा फंक्शन, दैट इज एक्स पावर माइनस 1/2 और 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1/2 dx. इसको आप लिख सकते हो बीटा हाफ हाफ. ओके, बीटा हाफ को आप कैलकुलेट कर लो गामा के टर्म में, यू विल गेट पाई. अगेन व्हेन यू पुट एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, देन अगेन यू विल ट्राई टू इंटीग्रेट दिस. तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब जब आप दूसरे एक्सप्रेशन में पहुंचते हो तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू एक्स रखनी है, और फिर से एक्स 1 माइनस एक्स, फिर से यहाँ पे आप देखो अल्फा 1 इंटू एफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 पुट करोगे 0, प्लस अल्फा 2 हाफ पुट करोगे इंटू हाफ, प्लस अल्फा 3 1 पुट करोगे इंटू 1, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, 1, और ये एक्स एक्स की पावर 1/2, दैट इज पॉजिटिव 1/2, एंड हियर आई विल गेट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 dx. फिर ये आप देखो दिस इज इक्वल्स टू बीटा, दिस विल बी 3/2 कॉमा 1/2. इसको आप कैलकुलेट करो तो ये आएगा पाई बाई 2. ओके, नाउ व्हेन आई विल पुट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, व्हाट आई विल गेट 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx अंडर रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स. फिर से आप एक्स स्क्वायर रखो तो ये अल्फा 1 इंटू 0 प्लस अल्फा 2 इंटू 1/4, दैट इज 1/2 का स्क्वायर, इंटू अल्फा 3 इंटू 1. ओके, फिर से यहाँ पे 0 इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3/2 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1/2 dx. तो ये आ जाएगा बीटा 5/2 कॉमा 1/2, दैट विल बी इक्वल्स टू, आप गामा की वैल्यू में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करो तो 3π/8. तो हमारे पास जो 3 इक्वेशन मिल गए वो इक्वेशन क्या हो गए, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू पाई. नेक्स्ट इक्वेशन इज अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल्स टू 5/2. सॉरी, दिस इक्वेशन विल बी या पाई, दिस विल बी पाई बिकॉज 2 इज मल्टीप्लाइड हियर.
and next equation will be alpha 2 plus 4 is multiplied here 4 alpha 3. Alpha 2 plus 4 alpha 3 equals to 3 pi by 2. So, हमारे पास ये तीन, यहां पे हमारे पास ये तीन इक्वेशन मिल गए. तो यहां से हमें जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू मिलती है इसको आप सॉल्व करो तो अल्फा 1 इक्वल्स टू पाई बाय 4, अल्फा 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2 और अल्फा 3 इक्वल्स टू पाई बाय 4. तो ये हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू आ गई है. अब उसके बाद हम जो क्वाड्रेचर फार्मूला हमारे पास आता है वो हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू 1 fx रूट ऑफ x1 माइनस x इक्वल्स टू, यहां से अगर आप पाई बाय 4 हर जगह से कॉमन ले लो तो आई विल गेट f0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 बाय 2 प्लस f1. ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेचर फॉर्मूला. अब इस क्वेश्चन का कहना है कि इसको यूज करते हुए हमें इवेल्युएट करना है dx by अंडर रूट ऑफ दिस. तो हमें इवेल्युएट करना है 0 टू 1 dx. व्हाट वी हैव टू इवेल्युएट, ये x माइनस x क्यूब. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx. यहां से अगर आप x कॉमन लो और 1 माइनस x, दिस विल बिकम 1 माइनस x का स्क्वायर और यहां 1 प्लस x है. 1 प्लस x को अगर हम ऊपर ले जाए तो 0 टू 1 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x और रूट ऑफ x 1 माइनस x dx. ओके, तो अगर आप इस फंक्शन को जो यहां है और इसको कंपेयर करो तो यहां से आपको क्या fx की वैल्यू मिलती है, fx इक्वल्स टू 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस x. तो अब यहां पे इस क्वाड्रेचर फॉर्मूला को यूज करके जो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx रूट ऑफ x माइनस x क्यूब की वैल्यू आ जाती है, दैट विल बी पाई बाय 4, पाई बाय 4 इंटू यहां पे 0 रखोगे तो 1, यहां पे हम वैल्यू रख रहे हैं प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहां पे 1 बाई 2 रखना है, दैट विल बी 1 अपॉन रूट ऑफ दैट विल बी 3 बाई 2. ओके, प्लस f1 की वैल्यू जब रखेंगे तो यहां पे 1 प्लस 1 1 बाई रूट 2. तो इसको जब आप कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2.62331. तो ये हो जाएगी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की. सो दैट इज द क्वेश्चन आस्क्ड हियर, क्वाड्रेचर फॉर्मूला से यूज करके हमें फाइंड आउट करना था. सो दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.